शासन के आदेश के बावजूद पतियों के द्वारा अपने पत्नियों के स्थान पर कामकाज किए जा रहे हैं, तो कई जगह शासकीय कर्मचारी पत्नियों के जगह भी पतियों ने मोर्चा संभाल रखा है। शासन के उक्त आदेश को लेकर विराट 24 के द्वारा कई बार खबरें दिखाई गई, जिसमें जनपद सदस्य से लेकर अध्यक्ष और सरपंच कार्यकर्ते दिखे थे। प्रशासन इसके पहले भी धमकी देने वाले सरपंच पति और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ताजा मामला गगेओ ब्लॉक के डगरदुआ ग्राम पंचायत से आया था, जहां की पंचायत सचिव कमला तिवारी के स्थान पर उनके पति भरत तिवारी के द्वारा काम किया जा रहा था। इतना ही नहीं, डगरदुआ महिला पंचायत सचिव कमला तिवारी की जगह उनके पति ग्राम सभा की बैठक का संचालन भी कर रहे थे। उक्त मामला संज्ञान में आने के बाद विराट 24 ने प्राथमिकता से दिखाया था, जिसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने पंचायत सचिव कमला तिवारी को निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में पंचायत सचिव को जनपद पंचायत गगेओ में अटैच किया गया है। आपको यह भी बता दें कि फॉर्म भरवाने पहुंचे गांव के ही युवकों ने शिकायत की थी कि महिला पंचायत सचिव की जगह उनके पति ने हस्ताक्षर कर दस्तावेज तैयार कर दिए थे, जिसका ऑडियो भी हमें सौंपा गया था, जिसका प्रसारण प्राथमिकता से किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने उक्त कार्यवाही की है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।